Hello and welcome to the Late Night Edition with me, Ayushman Singh Jamwal. Big breaking news coming in at the top of the bulletin, where after the police shooting and death of Akshay Shinde, who was accused of sexually assaulting two girls at a school in Badlapur, the Thane Police Commissioner has set up a single member committee to probe the entire incident. The body has been sent to JJ Hospital in Mumbai for the post-mortem. Reports suggest he was shot dead after he snatched a revolver from one of the officers and fired at them. He was being taken to Thane for the investigation. When the vehicle reached near the Mumbra bypass, that's when the incident took place. The opposition has called it cold-blooded murder. Now, my colleague Vivek Gupta gets us this report from Ground Zero. बदलापुर रेप मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो चुकी है. आपको बताना चाहेंगे कि अक्षय शिंदे को नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद रखा गया था. उसकी पत्नी ने एक कंप्लेन दी थी थाने पुलिस में. उस कंप्लेन के आधार पर थाने पुलिस ने FIR दर्ज कर अक्षय शिंदे को कस्टडी लेकर पूछताछ के लिए तलोजा जेल से अपनी कस्टडी में लिया था. और कस्टडी लेने के बाद जब थाने पुलिस की टीम मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे को मुंबरा बाईपास के पास जब लेके आ रहे थे, तो अक्षय शिंदे ने पुलिस वालों की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी एपी लेवल का जो है वो पूरी तरह से जख्मी हो गया. जब अक्षय शिंदे ने पुलिस पर फायरिंग की तो रिटेलिएशन में जो दूसरे पुलिस वाले थे उन्होंने भी अपनी डिफेंस में रिवॉल्वर निकाली और अक्षय शिंदे पर फायरिंग की. इस पूरी घटना में, इस पूरी गोलीबारी कांड में अक्षय शिंदे जो मुख्य आरोपी था बदलापुर रेप कांड का, उसकी मौत हो चुकी है. और जो दूसरे पुलिस वाले हैं वो पूरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज थाने के सिविल अस्पताल में चल रहा है. इस घटना के बाद जो थाने क्राइम ब्रांच की टीम और थाने पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उसके भी इलाज के लिए यहाँ पर उन्हें एडमिट कराया गया है कलवा हॉस्पिटल के अंदर. इसी जगह पर जो बदलापुर का रेप कांड का जो मुख्य आरोपी था अक्षय शिंदे, उसे भी यहाँ पर लाया गया था. लेकिन लाते समय जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो वो ब्रॉड डेड, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी. And Vivek is joining us on the broadcast on this big piece of breaking news that's coming in the wake of the Badlapur storm. Vivek, aur kya jankari hai Ground Zero se, ye hadsa kaise hua? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि बदलापुर रेप केस का जो मेन अक्यूज है अक्षय शिंदे, उसके ऊपर दो FIR रेप केस की पहले ही चल रही थी. तीसरी FIR उसकी वाइफ ने की थी, और वाइफ का एलिगेशन था कि उसके साथ अक्षय शिंदे अननेचुरल सेक्स और करता था, इसलिए 377 के तहत पुलिस उसके साथ पूछताछ करना चाहती थी. अक्षय शिंदे नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद था. थाने पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लेकर आज शाम को तकरीबन 5:30 बजे अक्षय शिंदे को अपनी कस्टडी में लिया और उसे थाने लेकर आ रही थी. शाम तकरीबन 6:15 पर जब मुंबरा बाईपास के पास पुलिस की वैन पहुंची तो अक्षय शिंदे ने बगल में बैठी एपीआई मोरे की सर्विस रिवॉल्वर उनसे छीनी और लगातार 3 राउंड फायर किए, जिसमें एपीआई मोरे के पैर में भी गोली लगी. गाड़ी में आगे बैठे एक और एपीआई ने जब गोली की आवाज सुनी तो वो उसने अपनी टीम को बचाने के लिए और सेल्फ डिफेंस में अक्षय शिंदे पर फायर किया, जिसकी वजह से अक्षय शिंदे की मौके पर ही मौत हो गई. और हॉस्पिटल में जो एपीआई मोरे इंजर्ड थे उनको भी लेकर उनका इलाज किया जा रहा है. अब इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है. जो अपोजिशन है वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर है वो फेक हो सकता है, इसलिए उसकी पूरी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए. वहीं CM एकनाथ शिंदे जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो पुलिस ने जो गोलियां चलाई हैं वो सेल्फ डिफेंस में चलाई हैं. अगर पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाती तो इसमें और भी कोई इंजर्ड हो सकता था. जी विवेक गुप्ता, ये भी बताइए हमें कि ये भी कहा जा रहा है कि एक आदमी ने कैसे पुलिस को ओवरपावर कर दिया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से भी. कितने पुलिस अफसर अक्षय शिंदे के साथ थे जब वो थाने की तरफ जा रहे थे? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस का जो ऑफिशियल वर्जन जो आया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि इस वैन में 4 लोग थे, जिसमें ड्राइवर, 2 API और अक्षय शिंदे था. अक्षय शिंदे पीछे की जो मिडिल सीट होती है वैन में, उसमें बैठा हुआ था कार में. उसमें जब 5:30 बजे जब वो लोग तलोजा जेल से बाहर निकले तो अप्रोक्स 45 मिनट बाद जब वो मुंबरा बाईपास के पास पहुंचे थे तो अक्षय शिंदे ने मौका देखकर एपीआई मोरे की जो सर्विस रिवॉल्वर होती है उसे छीना,
छीनने के बाद उसने जो पहला राउंड फायर किया था वो एपीएम मोरे के पैर में लगी। बाकी एपीएम मोरे ने अपने आप को बचाने के लिए अक्षय शिंदे का हाथ पकड़ा, लेकिन उसके दौरान भी अक्षय शिंदे ने लगातार दो और राउंड फायर किए। आगे जो एपीएम बैठा हुआ था उसने सर्विस रिवॉल्वर से जब ये सब फायरिंग सुनाई दे रही थी तो आगे की टीम में बैठी पुलिस ऑफिसर ने अपने आप को बचाने के लिए और अपनी टीम को बचाने के लिए अक्षय शिंदे पर फायर किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। ये थाने पुलिस का वर्जन है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पर पूरे मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिरकार कैसे कोई एक्यूज अगर पुलिस कस्टडी में है कैसे वो किसी पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर छीनकर फायर कर सकता है। जी विवेक गुप्ता जी, ये भी बताइए हमें कि जब ये पूरा हादसा हुआ था, अब तो जैसे आप कह रहे हैं राजनीति शुरू हो गई है, अब थाने कमिश्नर ने इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक प्रो पैनल भी फॉर्म किया है, अब ये इन्वेस्टिगेशन क्या मोड़ ले सकता है? अभी जो पुलिस उसमें इन्वॉल्व थे इस पूरी शूटिंग में, उनका क्या स्टेटस है? एग्जैक्टली, देखिए जिस तरीके से थाने के पुलिस कमिश्नर ने भी इंक्वायरी ऑर्डर की हुई कि आखिरकार कैसे अक्षय शिंदे ने सर्विस रिवॉल्वर को एपीआई मोरे से छीना है, इसकी जांच होगी। लेकिन फिलहाल देखिए, जो उसमें गाड़ी में चार लोग मौजूद थे, जिनमें एक अक्षय शिंदे था जिसकी डेथ हो चुकी है, एपीआई मोरे जिनकी पैर में गोली लगी है वो इंजर्ड है, बाकी जो पुलिस ऑफिसर है वो भी डिस्टर्बेंस, इसलिए उनका जो इलाज है वो अभी थाने के दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बीपी का इशू हो गया था और काफी ज्यादा वो जो सिचुएशन सामने फायरिंग देखकर उनका बीपी का इशू हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें थाने के जुपिटर हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं। तो जब सब लोग ठीक हो जाएंगे और अपने अपने कंडीशन में रहेंगे स्टेटमेंट देने के लिए, तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ क्या था। लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा पता चला है कि जब चार लोग गाड़ी में मौजूद थे तब अक्षय शिंदे ने एक एपीआई की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी। जी विवेक गुप्ता, मेरा आखिरी सवाल, अभी आप बदलापुर से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या उन तक खबर ये पहुंच चुकी है? और दूसरी बात, वो जो दो विक्टिम्स थी उनके फैमिली से कोई रिएक्शन आया है? देखिए बदलापुर में तो जिस तरीके से जैसे ये न्यूज सबके पास पहुंची कि ये दो छोटी बच्चियों का जो रेप का मामला था, ये बदलापुर के काफी हाई प्रोफाइल स्कूल का था, उसमें बहुत छोटी बच्चे 3 साल और 4 साल की बच्चियों के साथ ये रेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था बदलापुर में। और जैसे ये न्यूज अब सामने आई है कि इस केस के जो मेन एक्यूज है अक्षय शिंदे, उसकी एनकाउंटर में डेथ हो चुकी है, तो बदलापुर के लोगों में काफी ज्यादा खुशी है। कुछ लोगों ने सड़क पर पटाखे भी फोड़े हैं, और हालांकि फैमिली की तरफ से अभी तक कुछ बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि हमने उनकी फैमिली से बात करने की कोशिश भी की थी। अक्षय शिंदे के घर पर ताला भी लगा हुआ है, उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। शायद हो सकते हैं कि उसके फैमिली बॉडी क्लेम करने के लिए कल जरूर आए। और एक और अपडेट ये सामने आ रहा है कि फिलहाल जो अक्षय शिंदे की बॉडी है वो थाने के कलवा सिविल हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका जो पोस्टमार्टम होगा वो मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में होगा। एंड इनफैक्ट वी आर ऑल्सो गेटिंग अ रिएक्शन फ्रॉम आदित्य ठाकरे ऑल्सो ऑफ द सेना यूबीटी ऑफ द उद्धव ठाकरे सेना। ही हैज सेड एंड आई कोट, द इनह्यूमेन एक्ट कमिटेड बाय द मॉन्स्टर फ्रॉम बदलापुर डिजर्व नथिंग लेस देन द डेथ पेनल्टी विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ। हाउएवर व्हाट ट्रांसपायर्ड दिस इवनिंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नेग्लिजेंस एंड रेजेस सस्पिशंस। देयर इज नाउ अ पॉसिबिलिटी दैट सम इंडिविजुअल्स विल यूज दिस इंसिडेंट टू पैट देमसेल्व्स ऑन द बैक एंड एडवांस देयर पोलिटिकल एजेंडाज। दोज अटेम्प्टिंग टू क्लीन देयर इमेज थ्रू द पोलिटिकल exploitation of this case are already beginning to surface, is the pitch coming in from Aditya Thackeray of the Uddhav Sena, and the opposition has called this cold-blooded murder. Thank you Vivek Gupta for getting us the latest from Ground Zero. Now Vivek Gupta has made it very clear the family has not reacted, but locals in Badlapur are rejoicing over this entire case. Vivek Gupta also pointing out that people were bursting firecrackers on the street once this news reached them. Let's